नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे सामने बहुत बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि व्यक्ति पूछते हैं कि हमारी आयु कितनी है। तो आयु का निर्धारण करना बहुत ही कठिन विषय होता है, क्योंकि आयु तीन प्रकार की होती है। अल्पायु होती है, मध्यम आयु होती है, पूर्ण आयु होती है, और कभी कभी बालारिष्ट भी होते हैं। बालारिष्ट योग जब कुंडली के अंदर हो तो वो सारी आयु धरी रह जाती है, बचपन के अंदर ही बालक जो है मृत्यु के गाल में चला जाता है। लेकिन फिर भी अल्पायु योग 32 वर्ष तक होता है और मध्यमायु योग 64 वर्ष तक होता है। इसके बाद फिर जितनी भी आयु हम जीते हैं वो सब पूर्ण आयु के अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर भी जब कभी मार्केस की दशा आ जाती है, देखिए सप्तम स्थान मारक होता है, द्वितीय स्थान मारक होता है, इनके सपोर्टर 12वां स्थान, 8वां स्थान और 6ठा स्थान, इनके मालिक की भी जब दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है तो कभी कभी घात हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो उन सब दशाओं को पार करने के बाद अगर पूर्ण आयु है और अल्पायु के अंदर ही हमें मार्केस की दशा आ गई तो मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होता है, मृत्यु सम कष्ट होता है। और इसके लिए जो है बताया गया, अब मैं कन्या राशि को बता रहा हूं। कन्या राशि के अंदर कौन कौन होते हैं, सबसे पहली बात तो यह है, जिनका भी नाम कन्या राशि में है, आपका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वो जन्म राशि के हिसाब से, जन्म नक्षत्र के हिसाब से जो अक्षर प्राप्त होते हैं उन अक्षरों पर इनका विशेष करके और प्रभाव होता है। कन्या राशि में टो अक्षर, टो, पा, पी, पू, शे, अणे, ठे, पे और पो, ये 9 अक्षर जो है ये कन्या राशि के अंदर होते हैं। अब कन्या राशि के अंदर अगर कोई तो अक्षर पर किसी का जन्म है तो वो व्यक्ति धन के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करता है। पा अक्षर वाला, उसको संतान की चिंता रहती है। पू अक्षर वाला, वो जो है शत्रु के द्वारा हमेशा भयभीत रहता है। तो टो, पा, पी, पू और श अक्षर वाला धनवान होता है और अणय वो भोगी होता है, ठे अक्षर वाला पुत्रवान होता है, पे और पो अक्षर वाला जो होता है उसके लिए भी शास्त्र ये कहता है कि वो सर्वसमर्थ और पराक्रमी और जो है मातृ पितृ गुरु के भक्त होते हैं, माता के, पिता के और गुरु के वो भक्त होते हैं। इनको तीसरे महीने में, तीसरे वर्ष में अंग रोग होता है और उसके साथ ही 13वें वर्ष में चक्षु पीड़ा, नेत्रों की पीड़ा होती है या जलघात होता है, जल में डूब जाना, बह जाना, गिर जाना, जल के रोग उसको होते हैं। 26वें वर्ष में अंग रोग होता है, देव पीड़ा उनको प्राप्त होती है। 33वें वर्ष में लोहे के द्वारा घात होता है, लोहे के द्वारा चोट लगना, लोहे की जो है गिर जाना, लोहे के द्वारा किसी भी प्रकार का नुकसान होना। और 43 वर्ष के अंदर अंग रोग होता है, अल्प मृत्यु के समान उनको कष्ट होता है। और अगर कोई शुभ ग्रह उनको जो है देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको जो आयु शास्त्र बता रहा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर 84 वर्ष की अवस्था उनको प्राप्त होती है, 84 वर्ष की आयु उनको प्राप्त होती है। भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और बुधवार का दिन, हस्त नाम का नक्षत्र, ऐसा जब योग संयोग पड़ता है तब वो अपना शरीर छोड़ता है। तो ये मैंने कन्या राशि वालों के लिए बताया और अब आगे की राशियां भी बताऊंगा। लेकिन अब आप, अगर आपको कोई विशेष जानकारियां चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के और फिर आप वार्ता कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं, आप परामर्श कर सकते हैं। बाकी आप हमारे श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से, वास्तु से और धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त हो सके, आप उनसे लाभान्वित हो सकें। नमस्कार।
हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838889841। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।